नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो नोकिया कंपनी का टोटल ड्यूज है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर चुकाना चाहते हैं। आखिरकार नोकिया कंपनी के पास ये जो डील है वो किस तरीके से होंगे, क्या ये डील नोकिया ने एक्सेप्ट किया है, और आने वाले टाइम के अंदर नोकिया के साथ वोडाफोन आइडिया क्यों पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोकिया का नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं। लेकिन मोबाइल फोन सेगमेंट को छोड़कर भी नोकिया एक बड़ा सेगमेंट है जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आपके घर के पास जो मोबाइल टावर है उसके अंदर जो एंटेना वगैरह लगा हुआ है, बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो नोकिया कंपनी बनाते हैं। ठीक सिमिलर तरीके से इरिक्सन कंपनी भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंपनी वो सारे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी पहले जब 3G 4G इस तरीके का सर्विस वो लॉन्च कर रहा था, तब नोकिया के पास से उन्होंने जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदा था, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो बाकी था। टोटल 3,000 करोड़ रुपये का पेमेंट जो वो यहाँ पर बाकी था, जो नोकिया चाह रहा था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी दे दे नोकिया को। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी का फाइनल सेल्स स्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो दे नहीं पा रहा था। ऐसे एक टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी ने नोकिया कंपनी को ये ऑफर दिया है कि मेनली वो इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर 2025 के दिसंबर तक पेमेंट जो वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जो चीज़ हुआ है मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। ये जो 3,000 करोड़ रुपये का ड्यूज था, इसमें से 1,500 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स नोकिया को यहाँ पर दे दिया, जिसकी वजह से नोकिया कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर 1.4% का जो स्टेक होल्डर से वो यहाँ पर बन गया, मतलब 1.4% का मालिक जो वो नोकिया बन गया वोडाफोन आइडिया कंपनी का। उसके लिए 1,500 करोड़ रुपये यहाँ पर पेमेंट कर दिया, वो मेनली प्रेफरेंशियल शेयर्स के तहत। और बाकी जो 1,500 करोड़ रुपये है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी चाहते हैं कि नोकिया को वो इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर दे दे, और इसके लिए टोटल जो टाइम मांगा गया है वो दिसंबर 2025 तक के मांगा गया है। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने ये ऑफर तो नोकिया को दिया है, लेकिन अभी तक नोकिया कंपनी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वोडाफोन आइडिया कंपनी मेनली दो वेंडर्स के साथ काम करना चाहते हैं, एक है नोकिया और इरिक्सन, और नोकिया और इरिक्सन ये दो कंपनी भी इंटरेस्टेड है वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर। अभी आप बोलेंगे कि भाई वीआई कंपनी उनका पेमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी क्यों वीआई कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नोकिया और इरिक्सन कंपनी? इसके पीछे दो कारण है। एक तो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो बैकअप सपोर्ट है वो है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, जो नोकिया कंपनी को काफी ज्यादा भरोसा दे रहा है। और एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम के अंदर नोकिया कंपनी है कि भारत के अंदर जियो और एयरटेल जो दो सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है, वो नोकिया और इरिक्सन ये दो कंपनी के साथ काम और नहीं करेंगे। उनकी तरफ से क्लियरली यहां पर बता दिया गया है क्यों नहीं करेंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है ये तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन जियो और एयरटेल मेली नोकिया और इरिक्सन दो कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, तो वोडाफोन आइडिया कंपनी एकमात्र कंपनी बना रहा है भारत के अंदर जो उनका इनकम का सोर्स बन सकते हैं, जिस कारण से नोकिया और इरिक्सन ये दो कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं आज के डेट के अंदर। अगर जियो एयरटेल जैसी कंपनी मेली नोकिया और इरिक्सन के साथ काम करता तो डेफिनेटली नोकिया कंपनी वोडाफोन आइडिया की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन अभी के सिनेरियो के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ा ऐसा ही हो चुका है। देखिए, वीआई कंपनी रिसेंटली काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड राइज किया है, और आने वाले टाइम के अंदर 5G सर्विस जो वो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिले नवंबर महीने से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट से काफी ज्यादा पैसे उठा है। तो नोकिया कंपनी यहाँ पर चाहते हैं कि जो टोटल मॉडेम वगैरह है, जो 5G इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो हमारे पास से ही ले। इसके लिए डील भी कंप्लीट हो गया है, टेस्टिंग भी चल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया का आने वाले टाइम के अंदर जो 5G रोल आउट है उसका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होंगे नोकिया कंपनी, जिस कारण से हो सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डील मेनली जो ऑफर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से नोकिया को दिया गया था ये मेनली नोकिया एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, नोकिया अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, हो सकते हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर ही एक्सेप्ट कर ले। और प्रेफरेंशियल शेयर्स तो ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है, आने वाले 6 महीने के अंदर वो शेयर्स को वो बेच नहीं सकते, एक लॉक इन पीरियड दिया गया है। उसके बाद नोकिया कंपनी चाहे वो शेयर्स को बेचकर अपना 1,500 करोड़ रुपए उठाना तो उठा सकते हैं, अगर वो रखना चाहते हैं बाद में अगर कंपनी का वैल्यूएशन जब बढ़े तब अगर सेल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यही अपडेट हमारे पास निकल कर आ रहा था, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।